फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एसएलवी क्लासेस। गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एमसीक्यूज बेस्ड ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड फॉर एनटीयू यूजीसी नेट जीआरएफ एंड पीएचडी एंट्रेंस। बट गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांटेड टू से समथिंग अबाउट माय यूट्यूब चैनल एसएलवी क्लासेस। इफ यू रियली लाइक माय कंटेंट्स एंड वीडियोस, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड माय फेसबुक ग्रुप। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो गाइस प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ गाइस, आज का क्वेश्चन क्या है देखेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2013, द पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पैरामीटर व्हाइल द करस्पोंडिंग सैंपल इंफॉर्मेशन इज नोन एज। तो यहाँ पर बात हो रही है जो पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन होता है उसको क्या बोला गया है, पैरामीटर, ठीक है, व्हाइल जहाँ की करस्पोंडिंग सैंपल इन्फॉर्मेशन को क्या बताया जा रहा है, यूनिवर्स, इन्फ्लुएंस, सैंपल सैम्पलिंग डिज़ाइन या स्टैटिस्टिक्स। सो गाइज, यहाँ पर करस्पोंडिंग सैम्पल इन्फॉर्मेशन को बोला जाएगा स्टैटिस्टिक्स, यानी ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। गाइज, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन ए, कोवेशन एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशंस, जनरलाइजेशंस, थ्योरलाइजेशंस, जनरलाइजेशन, कोवेरिएशंस, थ्योरलाइजेशंस, एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशंस। नेक्स्ट है थ्योरलाइजेशन, जनरलाइजेशन, एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशंस, कोवेरिएशन, एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशंस, थ्योरलाइजेशंस एंड जनरलाइजेशंस, कोवेरिएशन। सो गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इट मींस कोवेशन, एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशंस, जनरलाइजेशंस एंड थ्योरलाइजेशंस। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इनकेस कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। एंड गाइज, वन मोर थिंग इज दैट कि वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन थ्री देखिए गाइस, इन सैम्पलिंग द लॉटरी मेथड इज यूज्ड फॉर। तो सैम्पलिंग में जो लॉटरी मेथड यूज किया जाता है वो क्यों यूज किया जाता है, इंटरप्रिटेशन के लिए, थ्योरलाइजेशंस के लिए, कॉन्सेप्चुअलाइजेशंस के लिए या रैंडमाइजेशन के लिए। तो गाइस, लॉटरी क्या होता है, एक तरीके से प्रोबेबिलिटी होता है, यानी अचानक से किसी की भी लॉटरी लग सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये नाम ए बंदे का इसमें आएगा, बी बंदे का इसमें आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर अल्फाबेटिकल सीरीज है कि इनका पहले आ जाएगा, इनका लास्ट में आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे एक कॉइन है, हेड और टेल्स आने के चांसेस बराबर होते हैं, उसी तरीके से लॉटरी में भी होता है। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको रेंडमाइजेशन बोलेंगे, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन फोर, विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। तो इसमें से कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, टू रिव्यू द लिटरेचर, टू समराइज वॉट इज ऑलरेडी नोन, टू गेट एन एकेडमिक डिग्री, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट्स। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट्स। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च यही है कि डिस्कवर करना न्यू फैक्ट्स को और उसको फ्रेश बनाना, ठीक है, जो भी नॉन फैक्ट्स वगैरह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन फाइव, सैम्पलिंग एरर डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन सैम्पल साइज, इंक्रीज इन सैम्पल साइज, प्रोसेस ऑफ रैंडमाइजेशन, प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। सो सैम्पलिंग एरर क्या है, डिक्रीज करता है किससे, इंक्रीज इन सैम्पल साइज, ठीक है। सैम्पलिंग एरर क्या है, यहाँ पर लिखिए सैम्पलिंग एरर डिक्रीज होगा यानी कम होगा जबकि सैम्पल साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से देखिए गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन फोर, द प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड इन एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, फिलोसफिकल रिसर्च या हिस्टोरिकल रिसर्च। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की, किस में यूज होता है, एक्शन रिसर्च में, अप्लाइड रिसर्च में, फिलोसफिकल रिसर्च या हिस्टोरिकल में। तो गाइज, इसमें होगा अप्लाइड रिसर्च, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इनकेस कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। एंड गाइज, वन मोर थिंग इज दैट कि अगर वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप पार्ट वन से देखना चाहते हैं तो आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिए, सारे लिंक्स अवेलेबल है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।